क्या बोल रहे? हाँ चलो, ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी, वेलकम टू प्रयास। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वलिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है मॉडुलस। मॉडुलस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग में समझने में प्रॉब्लम आती है, पर जब हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं और समझने लगते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास इतनी बार यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है कि हमको सारी प्रॉब्लम्स समझ में आ जाती है। मतलब एक्चुअल में मॉड कैसे सॉल्व होगा वो हमें समझ में आ जाता है। ये बात है इसकी कि धीरे धीरे समझ में आएगा बस, ठीक है। तो एकदम से अगर थोड़ी सी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो भी तो परेशान ना हो, बस थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन रखें अपने अंदर कि हाँ ये मेरे को सॉल्व कैसे करते हो आता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अपने आप मुझे आने लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें मॉड की, मॉडुलस की। तो मॉड को हम जनरली इस दो पोल के बीच में एक्स लिख दिया, ये मॉड ऑफ एक्स कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक तरह का समझो फंक्शन है। आजकल जितनी भी सारी चीज़ें उन सब में कोई ना कोई फंक्शन लगा होता है, या फिर बोले फंक्शन वर्ड आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि क्या पता सर ने क्या बोल दिया, ये कोई बड़ी चीज़ बोल दी फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं। मशीनरी जो है उनमें सभी में कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन लगाया जाता है कि भैया एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप कैसे होगी। जैसे सपोज करें चिप्स की कोई मशीन है तो उसमें आलू डालो इधर चिप्स मिल जाएगी आपको, तो उसका काम है कि उस चिप्स की कटिंग करेगी। वो एक मशीन का एक वर्क फाउंड कर दिया कि असाइन कर दिया उसको, क्या उसको यही काम करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मॉड भी एक फंक्शन है, मॉड एक फंक्शन है। यहाँ से हमने एक्स दिया, उसमें मॉड लग गया और यहाँ पर हमें मॉड ऑफ एक्स मिल गया। मॉड ऑफ एक्स करेगा क्या, क्या मतलब है इसका? तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब इस तरफ से आप एक्स कैसा भी पुट करो, मॉड के अंदर जाने के बाद जब बाहर जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर है। तो जैसे सपोज करें यहाँ पर हमारे पास x, यहाँ पर है मॉड x, x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो मेरे पास 2 मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट की तब भी पॉजिटिव मिलेगा, या फिर मैंने माइनस 2 पुट की तो मॉड ऑफ माइनस 2 भी 2 होगा, 3 पुट किया तो मॉड ऑफ 3 3 होगा, माइनस 1 पुट किया तो मॉड ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। कहने का मतलब मॉड के अंदर मैं माइनस 2 पुट कर रहा हूँ तब भी मुझे 2 आर मिल रहा है, मॉड के अंदर माइनस 3 पुट कर रहा हूँ तब मुझे 3 मिल रहा है, मॉड के अंदर 3 पुट कर रहा हूँ तब मुझे 3 मिल रहा है, मॉड के अंदर 4 पुट कर रहा हूँ तब मुझे 4 मिल रहा है, और मॉड के अंदर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है। क्या मतलब निकला इसका, क्या मतलब है इसका कि मॉड के अंदर मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ तो उससे मुझे वही वाली वैल्यू मिल रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो मॉड का यही काम है, मॉड का यही फंक्शन है कि वो हमें क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी पॉजिटिव करके देगा, पॉजिटिव होगी तो भी पॉजिटिव करके देगा, मतलब वो माइनस साइन को खा जाएगा कुल मिला है। मतलब इधर से आलू डालो चिप्स निकलेगी, सोना नहीं निकलता, चिप्स ही निकलेगी, ठीक है। तो चिप्स डालोगे तो भी चिप्स ही निकलेगी क्योंकि उसका काम है कि भैया वो स्लाइस कर देता है, ठीक है। तो चिप्स डाली तो भी चिप्स निकलेगी, आलू डाला तो भी चिप्स निकलेगी, तो पॉजिटिव वैल्यू दिया तो भी पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव वैल्यू दिया तो भी पॉजिटिव निकलेगा। तो मॉड का काम, आपको मॉड की मेन प्रॉपर्टी समझ में आ गई कैसे। तो अब क्या है कि मॉड को जब हम सॉल्व करने की बारी आती है, जब हम मॉड को सॉल्व करते हैं तो बड़े ही सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं कि हम पहले तो जब मॉड को सॉल्व करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर मॉड माइनस 2 है, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप देखिए कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आप एक नेगेटिव साइन अपने बाहर वापस से लगा दो, मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव मॉड हटा दो और बाहर माइनस साइन लगा दो। क्यों? क्योंकि आउटपुट पॉजिटिव मिलने वाला है। तो अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो एक माइनस और लगा दो ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, तो आपको पॉजिटिव 2 मिल जाएगा। या फिर अंदर वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आप क्या करो, डायरेक्ट मॉड हटा दो, या फिर ऐसा बोले पॉजिटिव साइन लगा के सॉल्व कर लो, 4 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब भी हम मॉड को सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो हम यही देखते हैं कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो कैसी, अगर नेगेटिव है तो एक माइनस साइन और बाहर लगा के उसको ओपन कर देते ताकि माइनस माइनस प्लस आ जाए, इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन आता है।
तो ये मॉड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि मॉड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व क्या करेंगे, मतलब मॉड का नेचर कैसा है, वो कर क्या रहा है, वो अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको भी पॉजिटिव करके बाहर दे रहा है, कैसे दे रहा है, अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन और लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव तो एक नेगेटिव और साइन लगा के मॉड हटा देंगे, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉड हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पॉजिटिव पे मॉड लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, ठीक है, बट नेगेटिव है उस पर मॉड लगाया तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है उस पर मॉड लगाया तो भी वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें मॉड को सॉल्व करें कैसे करेंगे, तो इक्वलिटी वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले सपोज यहाँ पर मेरे पास आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू, सबसे पहले एक्स लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हमसे बोला किसी ने कि टू आ रहा है, मॉड एक्स की वैल्यू टू आ रही है तो हम क्या बोल रहेंगे, अगर एक्स की वैल्यू टू पुट करूँगा मॉड लगाऊंगा तो टू मिलेगा, एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करूंगा मॉड लगाऊंगा तब भी टू मिलेगा, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस टू भी हो सकता है और माइनस टू भी हो सकता है, दोनों वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कोई भी क्वेश्चन हुआ जिसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये पूरा अगर प्लस थ्री होगा तो भी इसकी वैल्यू प्लस थ्री आएगी और इस पूरे की वैल्यू माइनस थ्री होगी तब भी मॉड लगाने के बाद प्लस थ्री आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू फाइव भी पॉसिबल है और एक्स की वैल्यू माइनस वन भी पॉसिबल है, जब यहाँ माइनस वन पुट करूँगा तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री उसका मॉड प्लस थ्री, फाइव पुट करूँगा फाइव माइनस टू प्लस थ्री उसका मॉड प्लस थ्री, ऐसा आ जाएगा। एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू टू, ऐसा आ गया। तो क्या करेंगे, x माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस टू और x माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो x माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस थ्री और x माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू एक्स, तो माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ वन पुट कर दूंगा तब भी मुझे टू मिलेगा, माइनस थ्री पुट करूंगा तब भी मुझे टू ही मिलेगा। एक्स माइनस सेवन इक्वल टू टू एक्स आया, ठीक। तो अब वापस है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस सेवन और यहाँ से x की वैल्यू थ्री एक्स इक्वल टू आ गया सेवन, तो x इक्वल टू आ गया सेवन बाई थ्री। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, पहले जो क्वेश्चन था सबसे फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, हमने बोला प्लस माइनस टू इसका आंसर है, यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट सॉल्व किया इसका आंसर, हमने बोला एक बार फाइव और माइनस वन आ रहा है, यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट सॉल्व किया हमने बोला थ्री माइनस थ्री और वन जो भी वॉट एवर आंसर आ रहा है, हमने सारे आंसर्स एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ पर हमने सॉल्व किया, यहाँ पर हम सारे आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस चेक, क्या करेंगे, हम क्रॉस चेक करेंगे पहले क्वेश्चन को, कैसे करेंगे क्रॉस चेक, और यहाँ क्यों नहीं किया, इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर थ्री है तो थ्री तो हमेशा थ्री रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, थ्री तो कैसा रहेगा, हमेशा थ्री रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, या यहाँ पर इक्वल टू में टू है तो टू हमेशा टू ही रहेगा, बट यहाँ पर इक्वल टू में वेरिएबल टर्म है, ये कैसी टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है, और ये कैसी टर्म है, वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल टर्म तो चेंज हो सकती है, एक्स की वैल्यू प्लस वन पर प्लस टू देगा, एक्स की वैल्यू थ्री पर सिक्स देगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन पर माइनस टू देगा, ऐसा होगा। हमने जब इधर पढ़ा था तो हमने बोला कि मॉड का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, मतलब अगर मैंने बोला कि वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे कि वाई की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है बट मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी,
तो मॉड एक्स के इक्वल टू में नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -7 पुट करता हूँ तो -14 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x -7 इक्वल टू -14। मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि मॉड का तो मीनिंग है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये दे रहा है नेगेटिव, इसलिए ये हो जाएगा रिजेक्ट। 7/3 यहाँ पुट करेंगे तो 14/3 आएगा, 14/3 कैसी पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड की इक्वल टू पॉजिटिव पॉसिबल है, इसलिए ये पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चन में चेक नहीं किया क्योंकि इक्वल टू में 2 है, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, x कुछ भी आए, 3 हमेशा 3 रहेगा, x कुछ भी आए, 2 हमेशा ये भी 2 रहेगा, x कुछ भी आए। तो जब भी आउटपुट में कांस्टेंट आएगा तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्लस माइनस साइन से ओपन करके सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। वेरिएबल आए तब भी एक बार प्लस से एक बार माइनस से सॉल्व कर लेंगे, बट क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आई है वो उठाकर वापस उस वेरिएबल की जगह पर पुट कर दो, जो भी आउटपुट में मतलब मॉड के इक्वल टू में जो भी वैल्यू है वहाँ पर पुट कर दो। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्स की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉड के इक्वल टू में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए अगर मॉड के इक्वल टू में पॉजिटिव आ रहा है तो चलेगा। जैसे x माइनस 7 इक्वल टू मैंने ले लिया -2x ले लिया, तो एक बार पॉजिटिव से ओपन कर लिया और एक बार नेगेटिव से, तो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। यहाँ पर आ गया 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस x इक्वल टू 7, x इक्वल टू -7। क्वेश्चन ये वाला दिया था ना हमको, है ना। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे -7 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। ये 7/3 यहाँ पुट करूँगा तो -14/3 आएगा, मतलब मॉड के इक्वल टू में नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट। तो मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि x की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, x की नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, मॉड के इक्वल टू में पॉजिटिव आना चाहिए। तो जिस भी x की वैल्यू के लिए मॉड के इक्वल टू में पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है, मतलब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नेगेटिव आ रहा है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, चाहे वो x की पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव। बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, वो x की नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करने लगते हैं। नहीं, x की पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वैल्यू को ऐसे रिजेक्ट नहीं करेंगे कि वो पॉजिटिव है इसलिए रिजेक्ट हो गई या वो नेगेटिव है इसलिए रिजेक्ट हो गई। वो रिजेक्ट तब होगी जब उस वैल्यू को वहाँ पर पुट करने पर मॉड के इक्वल टू में नेगेटिव आ जाए। ठीक है, हम अगर इसको यहाँ पर पुट करेंगे 7/3 को, तो यहाँ पर आएगा 7/3 -7, तो ये हो जाएगा कितना 14, तो ये हो जाएगा -7/3 14/3 माइनस का मॉड लगा है और इक्वल टू में -14/3 आ जाएगा। यहाँ पर भी पुट कर दिया, यहाँ पर भी, तो हमने देखा कि ये मॉड तो पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ से तो +14/3 आएगा और यहाँ से -14/3, तो +14/3 -14/3 इक्वल नहीं हो सकते, है ना। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5x आ गया, तो हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक बार इसको पॉजिटिव से ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5x और एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू -5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यूज हमारे पास आई यहाँ से -1, 6, और यहाँ से सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -6 और +1। क्रॉस चेक करते हैं, हमने बोला -1 जब यहाँ पुट किया तो -5 आ गया इक्वल टू में नेगेटिव, रिजेक्ट। 6 पुट किया 30 पॉजिटिव, एक्सेप्ट। -6 पुट किया -30, रिजेक्ट। 1 पुट किया +5 पॉजिटिव, एक्सेप्ट। तो हमारे पास आया 1, 6, हमारे पास दो ही वैल्यू पॉसिबल होगी, 1, 6, 1 और 6, क्योंकि वेरिएबल इसी के प्लेस पर अगर कॉन्स्टेंट आ जाए तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू सपोज 6 आ गया, ऐसा इसी को चेंज कर दिया, तो इक्वल टू में कांस्टेंट, इसलिए कोई क्रॉस चेक की जरूरत नहीं। एक बार 6 से सॉल्व कर लिया,
एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -1.6, ठीक है, और एक्स स्क्वायर -5x इक्वल टू -6, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.2, तो ये चारों वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 6, 2, 3 सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास मॉड की इक्वलिटी, मॉड की इक्वलिटी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडुलस इनइक्वलिटी, मॉडुलस इनइक्वलिटी आती है फिर हमारे पास, है ना, हमें नेक्स्ट सॉल्व करना होता है मॉडुलस इनइक्वलिटी। तो मॉडुलस इनइक्वलिटी में हम यहाँ पर सबसे पहले सिंगल मॉड की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल मॉड। अगर हमारे पास एक सिंगल मॉड है, मतलब पूरी जगह पर सिर्फ एक ही मॉड दिख रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सपोज यहाँ पर आ गया एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 2x प्लस 3, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा कि ये इससे ग्रेटर कब आएगा, तो आप देखो कि जो मॉड है वो एक ही लगा हुआ है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना दो आप, और भी दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं दोनों जगह पर देखो आप सिंगल एक जगह पर मॉड दिख रहा है, मतलब एक मॉड दिख रहा है, ठीक है। दो मॉड का मतलब ये है ऐसा, कुछ भी इस तरह से, तो दो जगह पर मॉड दिखने लगेगा, वो डबल मॉड हो गया, या मल्टीपल मॉड, बहुत सारे मॉड दिखने लगे। तो अभी हम पहले बात करेंगे सिंगल मॉड की, कि सिंगल मॉड के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मतलब उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैक्सिमम टाइम तो सिंगल मॉड ही होगा, तो सिंगल मॉड का हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम टाइम सिंगल मॉड होगा। तो केस बनाएंगे यहाँ पर, केस वन, केस फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, व्हेन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम ये बोल रहे हैं कि जो मॉड के अंदर वाली जो एक वैल्यू है x माइनस टू, ये पॉजिटिव कब होगी ये हम देख रहे हैं। तो हमने बोला कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x बिलोंग टू 2 to infinite, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1, मतलब x की वैल्यू 2 से इन्फाइनइट के लिए ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और हमने बोला है कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो मॉड डायरेक्ट हटाया जा सकता है, है ना, या पॉजिटिव साइन लगाकर मॉड हटाया जा सकता है। तो मॉड यहाँ से डायरेक्ट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा -x -5 greater than 0, x + 5 < 0, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया -∞ to -5, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव से कब ओपन कर पाए, जब अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव थी। अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव कब थी, जब x 2 to infinite था, मतलब x 2 to infinite होना ज़रूरी है, और x 2 to infinite रखा तब इसको सॉल्व कर कर ये आंसर आया, मतलब अगर पॉजिटिव से सॉल्व नहीं करता तो ये आंसर नहीं आता, तो एक आंसर ये आया। तो दोनों का कॉमन पार्ट देखा जाएगा, मतलब दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन डिपेंडेंट है, कि जब मैं ये 2 to infinite होगा तो ही ये सॉल्यूशन आ सकता है। तो ये सॉल्यूशन जो भी आया उसका इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो दोनों का कॉमन पार्ट देखना है, 1 intersection 2, हमेशा यही करना है। क्या करना है, मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर एक इंटरवल जो भी आएगा उसको इक्वेशन 1 दे दोगे, फिर उसको आपने ग्रेटर देन 0 बोला इसलिए इसको पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर आपके पास एक इंटरवल आएगा उसको इक्वेशन 2 बोल दोगे। 1 और 2 का हमेशा इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन कर लेते हैं तो एक आ रहा है -5 से इस साइड जाना है, दूसरा आ रहा है 2 to infinite जाना है। तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 5, इसको आंसर ये दे दो, ये 5 हो गया हमारे पास, कोई कॉमन नहीं है। केस टू क्या होगा, जो मॉड के अंदर वैल्यू है एक्स माइनस टू उसको हम लेस देन 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, लेस देन 0।
अब मॉड के अंदर वाली वैल्यू को अगर हम लेस देन जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू टू, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू टू, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन थ्री हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमने बोला कि ये नेगेटिव कब होगी, माइनस इन्फाइनाइट टू टू में, और अगर ये नेगेटिव होगी तो हमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा के ओपन करना पड़ेगा। मैंने बताया अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो हमें माइनस साइन लगा के मॉड हटा देना है, तो हमने माइनस साइन लगा के मॉड हटा दिया, ग्रेटर देन टू एक्स प्लस थ्री, तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, 3x प्लस वन माइनस साइन कॉमन ले लिया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन बाई थ्री, ये हो गई इक्वेशन हमारे पास फोर। जब हमने नेगेटिव पुट किया इसको तब जो इंटरवल आया वो इक्वेशन थ्री हो जाएगी। फिर हमने इसको नेगेटिव साइन लगा के मॉड हटाया और बाहर माइनस साइन लगा कर सॉल्व कर लिया तो इक्वेशन फोर आ जाएगी। हमेशा इन दोनों का भी इंटरसेक्शन करना है, थ्री इंटरसेक्शन फोर के, नेगेटिव लिया और नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व कर लिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा माइनस वन बाई थ्री इस तरफ और टू से इस तरफ आएगा, तो दोनों का जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन बाई थ्री, ये हो जाएगी इक्वेशन बी। हमें क्या करना है, ए और बी का यूनियन करना है, ए यूनियन बी करना है। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे, मतलब एक तो पॉसिबल है कि जब हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ सॉल्व किया तभी आंसर आ जाए, और जब हमने इसको नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व किया तभी आंसर है, दो आंसर्स पॉसिबल है इन दोनों का यूनियन, तो यहाँ तो फाइव है, मतलब यहाँ तक कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन बाई थ्री, ये आंसर है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे, जब भी सिंगल मॉड आए तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू उसको एक बार पॉजिटिव पुट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और बच्चे सोचते कि यहाँ पर इक्वल टू लगा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, आप यहाँ पर इक्वल टू लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, दोनों जगह लगा सकते हो, दोनों में से किसी एक जगह पर लगा सकते हो, पर दोनों में से किसी एक जगह पर तो लगाना ही लगाना है, दोनों जगह पर भी लगा दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू हम इस तरह से लगाएंगे, अभी हमने नहीं लगाया था, ठीक है, तो रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। पॉजिटिव साइन के साथ जब सॉल्व करोगे तो मॉड हटाकर, मतलब जब आप उसको पॉजिटिव पुट करोगे एक इंटरवल आ जाएगा, मॉड हटाकर पॉजिटिव साइन लगा के सॉल्व करोगे एक सॉल्यूशन आ जाएगा उसका, जब आपने पॉजिटिव पुट किया उसके साथ इंटरसेक्शन ले लोगे। फिर आप नेगेटिव पुट करोगे इसके अंदर वाली वैल्यू को और नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करोगे, तो जब आपने नेगेटिव पुट किया एक इंटरवल आया था और नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व किया जब दूसरा इंटरवल आया, उन दोनों का भी क्या करोगे, इंटरसेक्शन कर दोगे, तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक पहला वन टू का, एक थ्री फोर से, दोनों का लास्ट में यूनियन, ए यूनियन बी करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे सिंगल मॉड की कंडीशन, ठीक है। इसके आगे और भी मॉड के क्वेश्चन हमें कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।